डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू याइन क्लास फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश इन इंग्लिश टूडे आई विल डिस्कस अबाउट यूर सेवेंटींथ चैप्टर इन योर बुक मैरी गोल्ड ओके एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर ये एक पोएम है छोटी सी ओके ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर मीन्स की जो ग्रैनी ग्रैनी है वहाँ पर एक बच्ची है वो अपनी दादी के लिए बोल रही है ठीक है प्लीज़ कॉम माई हेयर प्लीज मेरे बाल बनाओ ठीक है मेरे बालों पर कंघी करो कॉम मतलब होता है कंघी, ठीक है और हेयर मतलब बाल तो इसमें एक बच्ची है जो अपनी दादी को कह रही है कि दादी 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 को वो क्या कह के बुला रही है ग्रैनी ग्रैनी ओके वो उन्हें कह रही है कि मेरे बालों पर कंघी करो ओके सो नाउ आई विल रीड दिस पोएम एंड यू ऑल लिसन केयरफुली ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ मेरे बालों पर कंगी करो यू ऑलवेज टेक योर टाइम आप हमेशा अपना टाइम लेते हो अपने टाइम का ख्याल रखते हो यू ऑलवेज टेक सच केयर और आप मेरा भी ख्याल रखते हो केयर मतलब ख्याल रखना ओके यू पुट मी टू शिट ऑन अ क्वेश्चन आप क्या करते हो मुझे एक क्वेश्चन के ऊपर बिठाते हो Between your knees. और उसे आप अपने नीज नीज किसे बोलते हैं घुटनों को घुटनों के बीच में रखते हो कुशन को और फिर मुझे उसके ऊपर बैठाते हो यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल और फिर आप मेरे बालों पर नारियल का तेल लगाते हो पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज और मेरे बालों का पहले पार्ट बनाते हो आप अलग अलग पार्ट्स करते हो और फिर उसके बाद तेल लगाते हो ठीक है और जब आप तेल लगाते हो तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो रहा हो ठीक है ब्रीज मतलब होता है बह रहना ओके ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड ग्रैनी आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा समय है एंड वैन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हैड एंड से और जब आप तेल लगाना ख़त्म कर देते हो तो फिर आप जो मेरा हेड है मेरा सर है उसको टर्न करते हो अपनी तरफ करते हो नाउ हुज़ अ नाइस गर्ल और कहते हो कि सबसे अच्छी बच्ची कौन है सो so, ये पोयम थी ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर तो चलिए इस पोयम की समरी देखते हैं एक बार इस पोयम में क्या है एक बच्ची है जो अपनी दादी को बोल रही है कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ मेरे बालों पर कंगी करो आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये बच्ची है ठीक है और ये अपनी दादी को बोल रही है और जो उसकी दादी है वो उसके बालों पर तेल लगा रही है ओके इसमें बच्ची बोल रही है ग्रैनी ग्रैनी मेरे बालों पर कंगी करो आप तो हमेशा समय का ख्याल रखते हो और मेरा भी ख्याल रखते हो आप अपने घुटनों के बीच में कुशन को रखते हो और मुझे उसके ऊपर बैठाते हो फिर मेरे बालों पर तेल लगाते हो और फिर वो तेल मेरे बालों पर ऐसा लगता है जैसे बहरा हो फिर वो बोलती है ग्रैनी ग्रैनी आपके पास तो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय है है ना और फिर जब वो तेल लगाना बंद कर देती हैं, ख़त्म हो जाता है तो फिर वो मुझे अपनी तरफ घुमाती हैं और पूछती हैं कि बताओ सबसे अच्छी बच्ची कौन है सो so, कैसी थी पोया अच्छी थी ना तो चलिए अब हम न्यूवर्ड्स में आते हैं तो देखते हैं हमने कौन कौन से न्यूवर्ड्स सीखे हैं सबसे फर्स्ट है इसमें केयर केयर मतलब होता है देखभाल ओके नेक्स्ट है कुशन कुशन होता है गद्दी होती है ना जैसे सोफों की गद्दी होती है तो उसे कुशन बोलते हैं नेक्स्ट है नीस नीस बोलते हैं घुटने ओके नेक्स्ट है जेंटल जेंटल मीन्स होता है बहुत ही आराम से नेक्स्ट है ब्रीज ब्रीज मतलब होता है बहना नेक्स्ट है वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया नेक्स्ट है नाइस नाइस मतलब होता है अच्छा ओके okay. सो so, ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स तो आप लोग भी न्यू वर्ड्स रीड करिए एंड पोएम भी रीड करिए ओके थैंक यू हैव अ ग्रेट डे